का पहले ही हम हाल आपको बता चुके हैं, किस तरह की पूरे प्रदेश में स्थितियां हैं वो हम डीजीपी सर से जानने की कोशिश करते हैं। सर, किस तरह की आप मॉनिटरिंग यहां से कर रहे हैं, किस तरह की स्थितियां आप बनाने की कोशिश अब कर रहे हैं? पुलिस मुख्यालय और यहाँ की हमारी लॉ एंड ऑर्डर ब्रांच सभी जिलों से, सभी रेंज के आईजी से संपर्क में है। कई जगह पे तोड़फोड़ की कुछ घटनाएं हुई हैं, आगजनी की घटनाएं देखने में आई हैं। सब में कानूनी कार्रवाई पुलिस ने की है और अब आगे भी मुकदमे दर्ज करके जो कानूनी कार्रवाई होगी उसको हम अमल में लाएंगे। बंद समर्थकों से मैं कहना चाहूंगा कि संविधान ने एक तरीका दिया है अपनी बात रखने का, कानून को अपने हाथ में नहीं लें, विद इन लीगल लिमिट्स रह के अपने एजिटेशन को चलाएं, बंद या जो भी करना चाहें, लेकिन अगर कानून हाथ में लेंगे तो फिर हमें कानूनी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हमने कई जगह पर कार्रवाई आज की है और भीड़ को डिस्पर्सल करना जहां जरूरी हो गया था वहां आवश्यक बल प्रयोग भी हमने किया है। शांति बनाए रखने के लिए हम कटिबद्ध हैं। मेरी अपील एक बार फिर से बंद समर्थकों के लिए, शांति बनाए रखें, आम जनता से पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है, थिंग्स आर रिटर्निंग टू द नॉर्मलसी। सर, राजधानी जयपुर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे काफी उपद्रव हुआ है, विधानसभा के आसपास का सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है, वहां जमकर गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है, उसको देखते हुए अब क्या स्थिति आप कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं? दिन में तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं, विधानसभा के आसपास भी हुई हैं और भी जयपुर के कुछ इलाकों में ऐसी जानकारी सामने आई है, लेकिन अब होने के बाद तो जो कार्रवाई हो सकती है कानूनी कार्रवाई, मुकदमे दर्ज करके उपद्रवी जो थे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और अभी शांति है। सर, पहले किस तरह की आपको सूचना मिली थी, किस तरह का हो सकता है आज के दिन इंटेलिजेंस के जरिए? देखिए, ये तो पूरे हिंदुस्तान भर की कॉल थी, भारत बंद की कॉल थी, और चूंकि लीडरलेस सी एक मॉब थी तो कई जगह पे इन्होंने उपद्रव किया है, कानून ने अपना काम किया। बिल्कुल, चित्र देख सकते हैं कि जो भी हुआ है, लेकिन पुलिस अब पूरी तरह से इसको कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर डीजीपी खुद पूरे राजस्थान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और दिशा निर्देश जारी लगातार कर रहे हैं। शरद सर, जहाँ पर सिचुएशन ज्यादा बिगड़ी है क्या वहां पर भी कोई जानकारी कि अब एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल, मैं जानने की कोशिश करता हूँ, जहां पर सर सिचुएशन ज्यादा खराब हुई थी क्या उन लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ किसी तरह का एक्शन लेने की पुलिस अब कोशिश करेगी? पुलिस निश्चित रूप से जो उपद्रवी थे, जिन्होंने तोड़फोड़ की है, उनको चिन्हित करेगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेगी। जी चित्र, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद हमारे साथ जुड़ने।